देश भर में कोरोना महामारी जितनी बड़ी समस्या है उससे भी बड़ी समस्या है रोजगार, जो कि भुखमरी का सामना कर रहे हैं इस कोरोना महामारी में लोग, क्योंकि वो अपना रोजगार अपनी नौकरी गवा बैठे हैं। और बहुत से लोग जो शहरों में रहते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें तो वो अपने राज्य अपने गांव जा चुके हैं क्योंकि वो अपना रोजगार अपनी नौकरी गवा बैठे हैं। और यहीं अगर बात करें कि जिनका खुद का काम था वो भी नहीं चल रहा है अभी, तो उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि ये नौकरी को लेकर, ये रोजगार सिर्फ कोरोना काल का मुद्दा नहीं है, ये शुरू से और पहले से ही चला आ रहा है। और हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ये युवाओं के लिए कि रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे आम जनता से कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शाही है। जी सर, जैसा कि अभी कोरोना काल में जितनी बड़ी ये महामारी है उससे भी उतना ही ये समस्या है रोजगार को लेकर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज आप ये देख रहे हो, ये चश्मा, इसे खरीदने के लिए भी आज पैसे लगता है। ये मास्क, इसे खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। ये जो बैग, ये जो कपड़े, ये पैसे से ही आता है। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास रोजगार ही नहीं है, तो अब ये क्या हम पुराने ही चीज़ पहन के घूमें? सरकार को सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्हें रोजगार देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी है, हमने मास्टर्स डिग्री की है, कहाँ है हमारे लिए जॉब? क्योंकि ऐसे मेरे अकेले की बात नहीं है, हमारे जो युवा भाई है उनके लिए मैं आज ये बात करना चाहूँगा। आज की ही मैं आपको बात बताना चाहूँगा। आज मैं ऑनलाइन सर्चे कर रहा था जॉब को लेके, और उसमें जब मैंने जॉब के लिए पाया तो मुझे लगा आहा, कितना मज़ा आ रहा है, जॉब तो मिल रहा है। तो लोग क्यों कह रहे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है? जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया, मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज मैं उन सब की बात करना चाहूँगा, और मैंने उन सब नंबर पे मैंने कॉल किए, तो ये पता चलता है वो तो जॉब के नाम पे सिर्फ ठगी कर रहे हैं। ठगी यानी कि उनका भी एक ये व्यवसाय चल रहा है आम लोगों को लूटने के लिए। यानी कि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसे रोजगार ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएँ? और आज ही की इंसिडेंट एक और मैं बताना चाहूँगा, उस कंपनी का नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हम जैसे लोग जो शिकार होते हैं उन्हीं की वजह से उनका घर भी चलता है। तो जो वो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहूँगा कि जो भी वो कर रहे हैं अच्छी से कमा के उन्हें करना चाहिए, ना कि हम जैसे लोगों को लूट के करना चाहिए। तो आज मैंने गोरेगांव में इंटरव्यू के लिए मैंने बात जब किया, तो उन्होंने डिमांड किया कि 750 रुपया आपको रजिस्टर के लिए भरना होगा। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप ऑथेंटिक जानकारी क्यों नहीं दे पा रहे हो, ये क्या बात हो गई 750 रुपये? अगर आप इतने सच्चे हो तो मेरे जो आप जॉब की पहली सैलरी से आप 750 रुपया काट लीजिएगा। तो उनका कहना है कि नहीं, आपको ये फॉर्म के लिए भरना है। तो मैंने और जो मेरे जानकार मित्र हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, तब मैंने उनके जो वेबसाइट के बारे में जब यहाँ पर देखा तो ये तो फर्जी निकला। चलो 750 रुपया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इंसान का 750 भी अगर वो गरीब इंसान का जाता है तो उनके खाते में कितना पैसा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जी, तो अभी हमारे साथ एक और आम जनता जुड़ी हुई है, तो आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस समस्या को लेकर उनका क्या कहना है। तो नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम राजू है, राजू बोल। सर, जैसा कि अभी जितनी बड़ी समस्या कोरोना है इससे लोग जितने डरे सहमे हैं, उतना ही लोग अपने रोजगार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए हैं कि यार पता नहीं कब मेरी नौकरी चली जाए, मेरा बॉस बोल दे कि कल से काम पर मत आना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार को है सबसे पहले, मतलब जिन जिन की नौकरी छूट गई है, जिनकी जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही, चाहे वो मतलब कोई भी फील्ड में हो, चाहे ड्राइविंग में हो या और कोई मेडिसिन मेडिकल हो, या कोई भी मतलब कोई भी छोटे से लेके बड़े फील्ड में हो, तो उनको मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कि ध्यान देना चाहिए, कि क्योंकि इसमें बहुत जन जो है जॉब के वजह से लेके ही स्ट्रेस में आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एक जन के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे एक ही लोग नहीं होते हैं, काफ़ी उनके मतलब 2 से 4 जन होते हैं, कि वो भी मतलब खाना थमाना जो भी उनका रहता है रिलेटेड, मतलब उनसे लिंक जुड़ा हुआ रहता है। जी, तो जैसे अब ये कोरोना महामारी चल रही है तो बहुत सी कंपनियाँ, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत से दफ्तर ऐसे हैं जिन्होंने
अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉय को बोल दिया है कि आप कल से नौकरी पर मत आइए। तो बहुत से यहाँ पे जो मजदूर हैं वो अपने गांव जा चुके हैं क्योंकि उनके पास, उनको भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। तो बहुत से मजदूर पैदल भूखे रह के अपने गांव गए हैं और उनका रोजगार भी चला गया है। तो उन मजदूरों के बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में मतलब ये कि सर, अभी यहाँ पे जब सब कुछ ठीक ठाक था तो सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक से, मगर वैसे ही सरकार को मतलब दिलासा देना चाहिए कि वैसे ही ठीक से हो जाएगा, वापस वो लोग भी आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो मतलब काम जिनको मतलब नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ ऐसा एक नंबर बनाना चाहिए ताकि, या कोई ऐप्स बनाना चाहिए कि इसके जरिए लोग जुड़े उसमें, तो लोगों को जैसा जैसा उनका कैटेगरी होगा, जैसे जैसा उनका काबिलियत होगी, उनको उस हिसाब से जॉब मिलना चाहिए। जी, तो अभी मैं सवाल करना चाहूँगी मुकेश शाही जी से। तो जैसे अभी कोरोना महामारी है और लोग मानसिक तनाव से इससे भी गुजर रहे हैं, तो उतने ही मानसिक तनाव से वो अपनी नौकरी को लेकर भी गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव है उनके अंदर कि उनकी नौकरी पता नहीं कब चली जाए, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं जो एम्प्लॉय हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पूजा जी, जो आपने सवाल जो उठाया काफ़ी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि डिप्रेशन ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे डिप्रेशन का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल ये कोई बीमारी के लेकर ही डिप्रेशन नहीं होता है। रोजगार को लेकर डिप्रेशन हो सकता है, फैमिली से तनाव बहुत सारे होते हैं उसके लिए भी डिप्रेशन हो सकता है। और मैं एक और ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि आम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, तो कहाँ है सुविधा? ये तो हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो सुविधा तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर सुविधा है तो हम लोग को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो जैसे यहाँ पे हमारे साथ एक और आम पब्लिक जुड़ गई है, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, इससे पहले भी ये मुद्दा चलता आ रहा है हमारे युवाओं के लिए भी, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में रोजगार को लेकर। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। शफीक शेख। तो आप ये बताइए कि अभी कोरोना महामारी से लोग गुजर रहे हैं और वहीं सबसे बड़ा मुद्दा ये है रोजगार को लेकर, लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में भी रह रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं हूँ एक ड्राइवर, मैं टी परमिट ड्राइवर हूँ, मेरा गाड़ी चलती है कॉल सेंटर में। 3 महीने से मेरी गाड़ी बंद पड़ी है मोस्टली, मेरी गाड़ी को मोस्टली नहीं बोले तो 14,800 का हफ्ता है महीने का, वो हफ्ता मेरा 4 साल का है मोस्टली। अभी ये दिसंबर में मेरा हफ्ता पूरा गाड़ी मेरा नील होता था, लेकिन ये मार्च महीने से अपना पूरा लॉकडाउन हो गया। 14,800 का हफ्ता गवर्नमेंट ने क्या बोली, आप बाद में पे करो, तो रिस्पेक्ट हम करेंगे क्योंकि हम यहाँ के रहवासी है, हम किधर भागने वाले नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है, तो मुझे सरकार से हाथ जोड़ के विनती मैं बोलता हूँ कि सर, हफ्ता तो हम लोग भरेंगे, लेकिन 3 महीना जो ड्राइवर इंसान घर में बैठा है, उसको ना 1 रुपये की आमदनी है, ना कहाँ से पैसा आ रहा है, वो अपना परिवार देखेगा या घर देखेगा या दवाखाना देखेगा, या लॉकडाउन खुलने के बाद वो अपना गाड़ी का हफ्ता भरेगा या अपने घर का भाड़ा भरेगा या लाइट बिल भरेगा। तो मुझे हाथ जोड़ के मैं सरकार से विनती करता हूँ, हमारे इधर सीएम है उद्धव साहब ठाकरे, वो साहब है तो मुंबई चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि मैं यहाँ का रहवासी हूँ और मैं यहाँ पर ही पला बड़ा हूँ, लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब है तो इतनी सब चल रहा है हमारे लिए और हमारे लिए सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मोदी सरकार का 1 रुपया हमारे इसमें नहीं आ रहा है। क्यों? हमारी गाड़ी टी परमिट गाड़ी है, हमारे गाड़ी का साल का खर्चा बोलेंगे आप 42,000 हमारा साल का खर्चा होता है। आरटीओ को हमारा पूरा पैसा जाता है, 3 महीना हमारी गाड़ी बंद पड़ी है, वो गाड़ी का पेपर का वैल्यू अभी दिसंबर में हमारी गाड़ी का पेपर का पूरा वर्कआउट आ जाएगा, तो कहाँ से हम 30,000-35,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? सरकार को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जरा ड्राइवर लोग के ऊपर कुछ मतलब उनके लिए कुछ करें। मेरा बोलना था ये, मैं ड्राइवर हूँ, आज हमारी कंपनी चालू हुई है तो मुझे मोस्टली एक ड्रॉप मिल रहा है, बस मैं वो ड्रॉप छोड़ रहा हूँ और घर पे आ रहा हूँ। क्यों? एक 600-700 रुपये के लिए घर पे भी बैठ के मैं क्या करूँ? कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है ना, कोई बोलते ना कोई नेता, ना कोई आमदार, ना कोई खासदार, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा हम लोग को। पब्लिक मर रही, मरने दो, कोरोना के इसमें फुल बोलते ना पूरे गरीब मिडिल क्लास के तो पूरे रस्ते लग गए, अमीर लोग को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, गरीब लोग को अमीर लोग देख रहे हैं, मिडिल क्लास को कोई नहीं देख रहा है। मिडिल क्लास जिधर है और हमेशा मिडिल क्लास ही क्यों फंसता है, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, कुछ भी होगा तो मिडिल क्लास ही फंसता है क्यों? ये बात क्या है सर?
ज़रा बताइए, ज़रा खुल के बताइए। अभी 1 दिसंबर में हमारा गाड़ी का पेपर ख़त्म होएगा, 40 से 42 का पैकेज हमारा RTO को जाता है, वो पैसा हमको क्यों नहीं माफ़ कर रही है? 3 महीने से हम घर पे बैठे, हम हमारा घर दर देखेंगे कि क्या देखेंगे हम? हमारा पैसा कहाँ से आएगा, आप बताइए। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इन्होंने रोजगार को लेकर, ये ड्राइवर हैं और इनकी कितनी सारी समस्याएं हैं तो आपने देखा। तो वहीं इन्होंने सरकार से विनती किया है कि इनकी जो समस्याएं हैं उसका निदान करें। तो ऐसे ही पल पल की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।